में उसी के साथ चर्चा कर लेंगे 12 फेल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जान लेंगे कि लियो मूवी ने अब तक लाइफ टाइम के मामले में कितना कलेक्शन कर लिया है और गणपत मूवी के क्या हालचाल चल रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं तेजस मूवी से। देखा जाए दोस्तों, कंगना रनावत की ये मूवी पब्लिक ने जैसे मानो नकार दिया है, क्योंकि इस मूवी का पहले दिन 1,25,00,000 का कलेक्शन था, दूसरे दिन इस मूवी ने 1,31,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं अगर हम आज संडे की बात करें तो आज ये मूवी 2 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दिख रही है और इसका टोटल 3 दिन के अंदर कलेक्शन हो रहा है 4,56,00,000 रुपए। वहीं अगर हम 12 फेल मूवी के बारे में आपसे बात करें तो देखा जाए दोस्तों, इस मूवी के वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छे निकले थे, जिसके चलते इस मूवी ने अपने पहले दिन जहां 1,10,00,000 का कलेक्शन किया, तो दूसरे दिन इस मूवी ने 100% का ग्रोथ लिया और 2,75,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं अगर हम आज संडे की बात करें तो आज ये मूवी 3.5 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दिख रही है, और ये इतना कर लेती है तो 3 दिन में इसका शुरुआती कलेक्शन हो रहा है 6.5 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बात करें गणपत के बारे में तो देखा जाए दोस्तों, इस मूवी को रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं, और वहीं अगर हम इसके आज संडे की बात करें तो ये मूवी 1,85,00,000 का कलेक्शन कर रही है और इसका 10 दिन का कलेक्शन हो चुका है 22,47,00,000 रुपए। वहीं अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 26,47,00,000 और वर्ल्ड वाइड के मामले में 31,34,00,000। वहीं अगर हम इसके बजट की बात करें तो इसका बजट है 150 करोड़ के ऊपर, यानी कि ये मूवी बुरी तरीके से हो गई है डिजास्टर। वहीं अगर हम बात करें साउथ की मूवी टाइगर नागेश्वर राव, जिसमें देखा जाए ये मूवी रवि तेजा की पेन इंडिया की पहली मूवी है, और इस मूवी का जो बजट है वो 50 करोड़ के लमसम बताया जा रहा है, और इसने अपने पहले हफ्ते में देखा जाए 41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं अगर 8वें दिन की बात करें तो 1,72,00,000, 9वें दिन इस मूवी ने 2,61,00,000 और 10वें दिन आज की बात करें तो ये मूवी 2,80,00,000 का कलेक्शन करते हुए दिख रही है, और 10 दिन के अंदर इसका टोटल नेट कलेक्शन हो रहा है 48,36,00,000 रुपए। वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 57,55,00,000 और वर्ल्ड वाइड के हिसाब से 66,21,00,000, यानी कि ये मूवी अपने बजट को क्रॉस कर गई है वर्ल्ड वाइड के मामले में। वहीं अगर हम बात कर लें लियो की, तो लियो मूवी देखा जाए आज भी बॉक्स ऑफिस में तबाही मचाए हुए है। इस मूवी को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और 11 दिन में इस मूवी ने 489 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अगर हम आज रविवार की बात करें तो आज भी ये मूवी देखा जाए दोस्तों 20 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दिख रही है और इसका टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है 509 करोड़ रुपए, यानी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रही है। और अगर हम संडे की बात करें तो संडे का जिस हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग निकली है तो ये मूवी आज भी 15 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दिख रही है, यानी कि इस मूवी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, प्रजापति विजय के कैरियर की सबसे बड़ी मूवी बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सब बातों के बारे में? चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट पहुंच जाए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।